अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम की जानिब से मैं हूँ फैसल ज़मीर और इस क्लास में हम बात करेंगे जेक्यूरी चैनिंग मेथड पर। जेक्यूरी में चैनिंग चैन के ज़रिए से हम स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैन का मतलब ये होता है कि एक के साथ दूसरे को जोड़ना। ठीक है, और उन स्टेटमेंट को, ठीक है, उन इफेक्ट को हम आपस में जोड़ते हैं और उसके बाद जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो नंबर वाइज, ठीक है, एक और दूसरे के बाद दूसरा, इस तरह वो एग्जीक्यूट होते हैं। जेक्यूरी में हम इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस हवाले से मैं एक ड्यू टैग मैंने ली हुई है। ठीक है, एक बटन भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आकर एक सबसे पहले मैं यहाँ पर तो बटन बना देता हूँ। ठीक है, सॉरी, बटन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि क्लिक को बटन पर क्लिक को और फिर क्या हो, सॉरी, बटन पर क्लिक को तो फंक्शन रन हो। ठीक है, और उस फंक्शन में हम इसको ये कहेंगे कि ये जो हमारी ड्यू है, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड का है CSS की मदद से, बैकग्राउंड कलर जो है आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड कलर, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पर आपने लिखना है बैकग्राउंड कलर इसका येलो है तो आप इसको क्या कर दो, वाइट, सॉरी, ब्लैक। अच्छा जी, इसको ब्लैक कर दो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये फ़ौरन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया है। ठीक है, अब हम करते ये हैं कि बैकग्राउंड तो हो गया है, फिर हम कहते हैं कि इसको स्लाइड अप कर दो। ठीक है, तो क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और नीचे ले आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्लाइड, ठीक है, स्लाइड अप। ठीक है, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और पर ये अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करना होगा कि चैनिंग मेथड के ज़रिए से हम इसको जॉइंट करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं हम इसको क्या करेंगे, जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हमें लिखना होता है डॉट, ठीक है, डॉट लिखना होता है और इसके बाद हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना होता है, जिस तरह स्लाइड अप हो गया या डाउन हो गया। ठीक है, स्लाइड अप आपने लिखना है, ठीक है, अगर आप इसको स्लाइड अप करना चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ आपने ये जस्ट दोबारा नहीं लिखना कि बटन पर दोबारा क्लिक को, ठीक है, ये जिस तरह यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, आपने नहीं, ये नहीं लिखना, जस्ट आपने डॉट लिखना है और दूसरी प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना है। ठीक है, उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और क्लिक, ये अप्लाई नहीं हो रहा, ये अप्लाई होगा, ठीक है, स्लाइड, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है ना, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर जब वो येलो है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक होगा, ब्लैक होने के बाद फिर वो स्लाइड अप हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा, अच्छा जी, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि स्लाइड अप तो हो गया, फिर क्या हो, स्लाइड डाउन हो। ठीक है, स्लाइड डाउन हो जाए, उसके साथ हमने दिया है, ठीक है, इसको चैन कहते हैं, ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसको हम चैनिंग मेथड कहते हैं जेक्यूरी में। ठीक है जी, रिफ्रेश क्या करेंगे, करेंगे ये कि हाँ, अच्छा जी, ये मैंने पेनल्टी से भूल गया था, अच्छा जी, उसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये देखें ना, सही तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर तब्दील होता है, फिर उसके बाद स्लाइड अप होता है, फिर स्लाइड डाउन होता है। ठीक है, इस तरह आप इसके आगे और भी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं कि चैन बनाना, चैनिंग मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, जेक्यूरी में तो ये था, चैनिंग के बारे में बहुत इजी है। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बात करेंगे ऐड रिमूव, ठीक है, एंड टॉगल द क्लास टू एलिमेंट, ठीक है, इस पर बात करेंगे और हमारे 3-4 वीडियो रह रही हैं, ठीक है, ट्यूटोरियल्स, तो इसके बाद हम एक और कोर्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि जितने भी हम कोर्सेज बनाएंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, ठीक है, तो उनसे आप इस्तेफादा कर सकें। थैंक्स टू वॉचिंग।